I am Rajesh D. Hajare sir. You already know me, and I am your English teacher. In Standard 8 curriculum of English subject, we will learn first unit. We will start from the first unit, and our first unit name is communication. Communication means संभाषण, मतलब बातचीत. And under the first unit communication, we have first section is topic, and its name is apologize. Apologize means किसी से माफी मांगना. ठीक है, तो ये जो लेसन है, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा देख ले कि लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 10. Language is the most important means of communication. Beginning from the age of sign language, the world has come a long way in terms of the evolution of language. मतलब आप सबको पता ही है कि किसी भी भाषा में जो हम जब कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो एक लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बातचीत करने के लिए. अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश सीख रहे हैं, जब आपको समझाना है तो हम हिंदी का यूज कर रहे हैं. तो इन द सेम वे जो कम्युनिकेशन है, मतलब बातचीत जब चलती है तो लैंग्वेज एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. और जब साइन लैंग्वेज थी काफी सालों के पहले या कुछ एरा के पहले भी बोल सकते, पुराने मतलब बहुत काफी सालों पहले जैसे बोलना पड़ेगा, तो जो शुरुआत में जब साइन लैंग्वेज थी तभी से दुनिया में जो लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो हर एक लैंग्वेज क्या होती है, कही है कि वो इवोल्यूट होते गई है. इवोल्यूशन मींस उसका क्या बोलेंगे, उत्क्रांति. एक हिंदी में वर्ड है, हिंदी मराठी में उत्क्रांति, मतलब वो आगे आगे वो भी इंसान के साथ साथ लैंग्वेज भी डेवलप होते गई है. अब ये जो अपोलोजाइज चैप्टर है, इसमें जो लैंग्वेज बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एन ईरानियन बॉय इन अनादर कंट्री. अब जब आप जैसे हम इंडियन है, हम पढ़ क्या रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं. यू नो ऑलरेडी नो कि इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं. मतलब कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो पूरी दुनिया के लिए दरवाजा या खिड़की खोलने वाली भाषा है. तो ऑब्वियसली हमको अगर दूसरे कंट्री में जाना है तो उस कंट्री की लैंग्वेज हमें आनी चाहिए. इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो इसमें क्या, जो पूरे दुनिया में बोली जाती है. पर यहाँ पे इस स्टोरी में जो अपोलोजाइज स्टोरी है, यहाँ पे एक ईरानियन बॉय है. किस देश का ईरानियन बॉय है, मतलब ईरान कंट्री का एक लड़का है, और उसके लिए जो लैंग्वेज है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट निर्माण करती है भाषा, क्योंकि वो जिस देश में गया है उस देश की भाषा या लैंग्वेज जो है वो उसे नहीं आती. उसकी वजह से उसकी लाइफ में कैसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. कि सिर्फ उस देश की, जिस देश में वो जा गया है, उस देश की भाषा नहीं आने के कारण उसे कितना क्या नुकसान भुगतना पड़ रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो नाउ अभी जो स्टोरी है, स्टोरी आप देखिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आपको भी पढ़ना है. They closed in on him, two boys and one girl, silently, menacingly slow, with their hands deep inside the pockets of their jeans. वो दे मतलब वो उसके पास आए. उसके मतलब किसके, तो ये जो ईरानियन लड़का है, जो आपको ये पिक्चर जो देख भी रही होंगी बुक में, ये पिक्चर, तो इस पिक्चर में ये जो येलो टी शर्ट में जो लड़का दिख रहा है वो है ईरानियन बॉय. और वो जो तीन लड़के, ये दो लड़के प्लस एक लड़की, वो उसके पास आ रहे हैं. तो वो पास आए, दो लड़के और एक लड़की, धीरे धीरे आए और मेनसिंगली स्लो आए. मेनसिंगली का मतलब क्या है, नुकसान पहुंचाने के लिए, मतलब वो उस लड़के को नुकसान पहुंचाने के इरादे से स्लोली धीरे-धीरे आए. और उनके जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक के जो हैंड्स है वो उसके जींस की पॉकेट में अंदर तक है. आगे फिर ये जो स्टोरी है ये लिखी है सिगरन श्रीवास्तव ने. आगे सिगरन श्रीवास्तव कहती है कि द गर्ल स्पोक फर्स्ट. ये जो तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों में जो गर्ल है वो सबसे पहले बोलती है. क्या बोलती है, इट वाज हिम, बोले ये वही था. शी पॉइंटेड एन अक्यूजिंग फिंगर एट द बॉय. उसने क्या की, उसने एक अक्यूजिंग फिंगर, मतलब एक आरोप करने वाला, किसी को मतलब क्या बोलेंगे, मुजरिम ठहराने के लिए हम किसी को बोलते हैं ना, ये उसी ने गलती की, इस तरीके से उंगली दिखाकर. तो उसी तरह उसने इस लड़के के तरफ, जो ईरानियन बॉय है येलो टी शर्ट में, उसके तरफ इशारा करके उसने क्या बोले, इट वॉज हिम, ये वही था। आगे उसने क्या बोली, वही था मतलब उसने क्या किया, ही किल्ड मी पर्पसली, आई एम श्योर, ही मेड मी स्पिल माय लंच ऑल ओवर द प्लेस एंड रैन अवे लिविंग मी टू फेस द म्यूजिक। मुझे पक्का मालूम है बोले कि उसने ही मुझे क्या किया, उसने सब कुछ, उसने मुझे जानबूझकर किक किया, किक किया मतलब मारा या पैर से मारा बोलना पड़ेगा, और आई एम श्योर मतलब बोले मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उसने ये जानबूझकर किया, और उसने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं पैर से, बल्कि क्या किया, उसने मुझे सिर्फ किक ही नहीं किया बल्कि मेरा जो लंच है वो भी उसके वजह से इधर उधर कंटेनर के बाहर स्पिल हो, पर्पसली मतलब डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, स्पिल मींस गलती से गिर जाना या पसरना। तो बोले उसने एक्चुअली उसके वजह से मेरा जो मतलब उसके मारने की वजह से मेरा जो लंच है वो भी मेरे कंटेनर से ओवरफ्लो हो गया, गिर गया, ठीक है। तो और बोले उसके वजह से फिर उसने मुझे मदद भी नहीं की, उसने मुझे कहा, उसने मुझे छोड़ दिया टू फेस द म्यूजिक, मतलब कि वही जो भी यहाँ पे फेस द म्यूजिक का मतलब मैंने लिखा नहीं बिकॉज इट इज अ फ्रेज। तो बोले टू फेस द म्यूजिक मतलब जो भी उसके वजह से तकलीफ या नुकसान या दर्द होने वाला था उसमें मुझे वो सहने के लिए मुझे वहीं पे छोड़ दिया। फिर आगे कहते हैं कि the boy stared at her, his face a mask of fear and concentration. He had not learned much Dutch in the 6 months of his stay in Amsterdam, despite the special language classes for foreign students in the afternoon. अब वो जो लड़का है पीले टी-शर्ट में, वो उनके तरफ बस देखते ही रह गया, स्टेयर करते रह गया, क्योंकि उसको वो घूर रहा था मतलब बस देखते ही रह गया एक तक, और उसका जो चेहरा है उसके चेहरे पर साफ जो डर है वो डर झलक रहा था। वो ध्यान देकर उनकी बातें सुन रहा था, पर उसने जो जिस देश में है एम्स्टर्डम में अभी वो है, मतलब ये पूरी स्टोरी एम्स्टर्डम में सेट है, तो एम्स्टर्डम में 6 महीने रहने के बावजूद वो उनकी एम्स्टर्डम की मतलब उस जिस देश में है उस देश की जो लैंग्वेज है डच, वो डच लैंग्वेज वो अब तक 6 महीने में भी सीख नहीं पाया था, डिस्पाइट द स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन द आफ्टरनून। दोपहर में उनके देश में डच लैंग्वेज सीखने के लिए क्लासेस भी होते थे स्पेशल क्लास, पर वो भी उसने किया स्पेशल लैंग्वेज क्लास, पर उसके बावजूद वो सीख नहीं सका, ज्यादा सीख नहीं पाया डच लैंग्वेज। His fists clenched and unclenched nervously as he desperately surged hitwards. अब हम जब कभी नर्वस होते हैं तो क्या करते हैं, हमारे हाथ की उंगली जो उंगली फिस्ट है ये मुट्ठी बनती है, छोड़ते हैं, ऐसे काफी उनको कुछ कुछ हरकतें करने की आदत रहती है। वैसे ही उसने भी नर्वसनेस की वजह से क्या किया, उस अपनी जो फिस्ट है मुट्ठी है वो बांध रहा था, क्लेंच कर रहा था, छोड़ रहा था, बांध रहा था, छोड़ रहा था, और वो चाह रहा था कि उनको उसको भी जवाब दे, पर क्योंकि उसको डच समझ में नहीं आती थी तो उस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाया, सही वर्ड्स ढूंढ ही नहीं पाया। बट ऑल दैट केम टू हिम वाज अ कंफ्यूज्ड नंबर ऑफ ईरानियन फ्रेजेस, पर जब वो बोलने की कोशिश करने लगा तो उसके मुंह से कुछ बस, क्योंकि डच लैंग्वेज तो उसको आती नहीं थी, तो उसके मुंह से बस कुछ ईरानियन लैंग्वेज जो उसकी लैंग्वेज है उस ईरानियन लैंग्वेज के कुछ फ्रेजेस मतलब कुछ ही शब्द उसके मुंह से बाहर निकले। ही बैग्ड अवे, वो थोड़ा सा पीछे आ मुड़ा, और his eyes darted around the empty schoolyard. Nobody was in sight, not even the housekeeper. उसने फिर आगे पीछे इधर उधर देखा कि कोई तो भी मदद के लिए मिलेगा, डार्ट किया उसने, और मतलब अचानक विशेष दिशा में इधर उधर वो हिलने लगा कि कोई मिले कंपाउंड में, पर उसको कंपाउंड में कोई भी नहीं मिला। स्कूल का जो यार्ड है मतलब वो जो मैदान है वो पूरा खाली था, एम्प्टी था, कोई भी उसको नजर नहीं दिख रहा था। और इवन यहाँ तक कि जो हाउस कीपर है मतलब जो देखरेख करने वाला रहता है स्कूल में, जो गार्ड टाइप, वो भी वहां पे नहीं था। लुक हियर यू बुली, द लीडर्स वर्ड्स हिट हिम लाइक अ लैश। तो तभी क्या हुआ, वो जो 3 लड़के है मतलब 2 लड़के और 1 लड़की उसके पास आए हैं, उससे बिल्कुल पास में आए हैं, उनमें से एक जो लीडर है उस लीडर ने उसको क्या बोलेंगे पूरे इसमें आवाज मारे, क्या बोला, लुक हियर यू बुली, मतलब वो आगे पीछे देख रहा था ना, तो क्या बोले, इधर देखो बोले, तुम डरपोक, बुली मतलब डरपोक, बोले तुम डरपोक इधर देखो बोले। टीजिंग द गर्ल्स या कम ऑन अपोलोजाइज, उसने क्या बोला, बोले अच्छा तो तुम लड़की को क्या करते हो, टीज करते हो, चिढ़ाते हो, इधर आओ बोले, और क्या कर रहे हो, माफी मांगो, अपोलोजाइज करो। ये आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मजेदार स्टोरी है ये भी, और आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है, ये जो बोर्ड पर वर्ड्स दिख रहे हैं ये वर्ड्स आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स तो दिखाई है, एसी का बिल्कुल पेज नंबर 9 पीछे का जो पेज है वहाँ पे इंग्लिश मीनिंग भी आपको दिखेगा, तो वो नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। और उसके साथ साथ वर्ड मतलब मीनस इंग्लिश, फिर उसका जो इंग्लिश में मीनिंग दिया है बुक में वो लिखना है, उसके आगे नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरीके से हिंदी मीनिंग भी लिखना है। और ये तो एक हो गया। दूसरा और एक होमवर्क है जो अभी अपने जहाँ तक पढ़े हैं उसने के बाद में पेज नंबर 10 पर एक क्वेश्चन है, इज द गर्ल टेलिंग द ट्रूथ और जस्ट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर द न्यू वर्ल्ड। मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि वो जो लड़की है वो सच बोल रही थी अपने दोस्तों को, या वो जो नया लड़का है उसको बस तकलीफ पहुंचाने के लिए वो सब बोल रही थी। तो आपको ये जो है ये लिखना है, इसका आंसर लिखना है इंग्लिश में। आप जो सोचते हो इतनी स्टोरी तो आपने पढ़ लिखा, मतलब सुन लिए, समझ नहीं रही होगी आपको, तो इसी को इतना सुनने के बाद आपको क्या लगता है वो आपको लिखना है। थैंक यू सो मच। आगे की जो स्टोरी है वो इसके बाद जो वीडियो में देखेंगे।